अगर एक महीने के अंदर में 2 से 3 सेंटर अगर चालू नहीं किया गया तो हम लोग कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना बैठेंगे। जब तक हमारा हल नहीं होगा, मसले का हल हम उठेंगे नहीं। और महानगर पालिका और शासन की तरफ से आदेश ऐसा है कि ज़ीरो होम डिलीवरी 0% होना चाहिए, लेकिन आज भी 25% 20% होम डिलीवरी हो रही है। तो इसका तो वो होम डिलीवरी होने से जो बच्चा मर रहा है या माएँ मर रही है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार शासन है। और अगर महानगर पालिका की भी जिम्मेदारी है कि इससे पहले इंदिरा गांधी हॉस्पिटल महानगर पालिका के हाथ में थी, पूरा स्टाफ सब कुछ चल रहा था अच्छा खासा। जब महानगर पालिका थी उस वक्त भी मेरा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में दौरा हमेशा रहा है, उसको भी देखते हुए ऐसा सब स्टाफ पूरा सेटअप तैयार था। आज जब महानगर पालिका वहाँ से हट गई तो स्टाफ गया कहाँ? तो वो 5 सेंटर की जो मैं मांग कर रही हूँ, ये लोग जानबूझकर चालू नहीं कर रहे। सब सेटअप इनका तैयार है, ये क्यों नहीं चालू कर रहे? अगर नहीं चालू करेंगे मेरा आंदोलन जारी रहेगा और मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक 5 सेंटर चालू नहीं होगा जब तक मेरा धरना आंदोलन चालू रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की कुछ ऐसी समस्याओं की जिसकी हद से ज़्यादा इस समस्या को दूर करने की ज़रूरत है। वैसे तो भिवंडी शहर समस्याओं का ही शहर है, चाहे आप रास्ते पर हों या गली में हों या और कहीं हों, कुछ नहीं तो आपको ट्रैफिक जाम ही मिल जाएगी। बहरहाल ये बात करते हैं, इस वक्त मेरे साथ में रेहाना अंसारी साहिबा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का चर्चित चेहरा है और महाराष्ट्र प्रदेश के पद महिला सचिव भी हैं, भिवंडी शहर में भी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। एक बड़ा ख़ास मुद्दा है, भिवंडी शहर की हद में 15 ऐसे सेंटर हैं जहां औरतों की समस्याओं का निदान किया जाता है। औरतों की समस्याएं मतलब औरतों को डिलीवरी पॉइंट पे जो कुछ ज़रूरत होती है उसकी, और इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है डिलीवरी सेंटर ना होना। बड़ी बात यह है कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के पास एक गायनोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जिनकी पगार भी चालू है, मगर वो अपना ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका की हद में IGM हॉस्पिटल है जो अब राज्य सरकार के अंडर में उप जिला अस्पताल का दर्जा रखता है। शहर बढ़ गया है, IGM हॉस्पिटल पहले वाला ही है। शहर की समस्याएं बढ़ गई हैं, स्टाफ कम है, दवाइयां कम है, लोग ज़्यादा हैं। ऐसे में IGM भी अब यहां के लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाता। आइए हम बात करते हैं आज भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर रेहाना अंसारी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक धरने का आयोजन किया गया। रेहाना मैडम, ये बताइए कि आज का जो आपका पार्टी का धरना था उसमें आप आगे थी और लोग भी आपके साथ में थे, तो असल मकसद क्या था इसका? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम आज 12 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक धरने का ऐलान किए थे कि आज हम लोग धरने पे बैठे। धरने की वजह यह है कि सिर्फ मेरी मतलब मेरा कोई ऐसा पर्सनल नहीं है, मैं आवाम के लिए और शहर की महिलाओं के लिए और गरीब महिलाओं के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी आज दो ढाई साल पहले कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इतना रश, इतना लापरवाही होती थी, वो सब देखते हुए मैंने ये ठान ली कि हमारे इधर आज प्रभाग 5 है, क्यों ना महानगर पालिका की तरफ से हम मांग करें कि महानगर पालिका जिस तरीके से 5 प्रभाग चला रही है उसी हर प्रभाग में हमारा एक सेंटर चालू होना चाहिए, जो कि महिलाओं की समस्या को लेकर सेंटर तो है लेकिन जो महिलाओं को सही मानों में वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आज नाला पार हो गया, शांति नगर हो गया और अपना खाड़ी पार हो गया, ईदगाह रोड हो गया, दीवान शाह हो गया, ये सब तरफ से अगर गर्भवती महिला जाती थी IGM हॉस्पिटल में तो उनको आने में ही इतनी प्रॉब्लम आती थी और यहाँ पे आने के बाद तो फिर भीड़ तो पूछो मत। लापरवाही की वजह से बेचारे
या तो वापस जाते थे या उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ये सब को देखते हुए मैंने ये सब महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को लेटर दी थी कि आप लोग जो है 5 प्रभाग में 5 डिलीवरी सेंटर चालू करिए ताकि। ये लेटर आपने कब दिया था? मैं एक लेटर तो दी थी 2021 में, फिर उसके बाद दूसरा लेटर दी 2022 में, और 22 में 2 लेटर दी मैंने, एक 6 महीने में दी, एक 9 महीने में दी। उसके बाद मुझे एक जवाब मिला कि हम जो मैं 21 में दी पूरे बराबर 1 साल के बाद यानी 22 की शुरुआत में ही मुझे एक लेटर बुशरा मैडम का मिला कि मैं हम लोग बहुत जल्दी ही चालू करेंगे। तो मैं बोली हो सकता है मैं 5 महीना 6 महीना साल भर हो गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं आया, जबकि सेंट्रल बहुत सारी जगह पे चालू करके छोड़ के ऐसे खुला पड़ा हुआ है, सामान भी वेस्ट हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, लेकिन ये लोग कितनी लापरवाही है कि उसके ऊपर कोई अमल में नहीं ला रहे है। सब चीज़ के लिए इनके पास निधि प्राप्त होती है, लेकिन हमारे महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए इनके पास निधि नहीं है, हमको ऐसा जवाब मिलता है। तो मैं यही लेकर मैंने आज धरने पर बैठी थी, और धरने में कमिश्नर साहब की तो आज ही बदली हुई है ऐसा सुनने में आया, तो झिंझार साहब और बुशरा मैडम दोनों आए थे, वहाँ पे आने के बाद आश्वासन दिए कि हम जल्द जल्द चालू करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे खासदार माजी खासदार माजी आमदार रशीद ताहिर मोमिन साहब इन्होंने कहा कि हमें जवाब चाहिए, 1 महीने में हमको मिलना चाहिए। मैंने भी यही मांग की कि 1 महीने के अंदर हमें 2 से 3 कम से कम सेंटर चालू करके तत्कालीन में चाहिए। तो उन्होंने कहा तत्कालीन नहीं हो सकता है, हम बैठ के 1 हफ्ते में बात करके हम आपको बताते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब उनका टाइम देते हैं। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में 5 प्रभाग है, और हर प्रभाग में 3 इस तरह के आरोग्य सेंटर हैं, यानी 1 प्रभाग में 3 तो 5 प्रभाग में 15। इन 15 सेंटरों की अगर बात करेंगे तो हर सेंटर पर तकरीबन 6 से 7 लोगों का स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर भी हैं और नर्सेज भी हैं। इनकी मदद के लिए आशा वर्कर भिवंडी में करीब करीब 150 हैं, और बड़ी बात यह है कि गायनोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, उनकी पगार भी चल रही है, मगर वो कहाँ ड्यूटी करती हैं, डिलीवरी का पॉइंट उनका कहाँ है ये पता नहीं, महानगर पालिका सिर्फ उन्हें पगार देती है। बर्थ कंट्रोल के लिए जो ऑपरेशन का काम है वो भी उनके ज़िम्मे है, उसका भी पता नहीं है। तो असल वजह यह है कि भिवंडी शहर में जो ये आरोग्य सेंटर हैं इसमें काम करने वाले लोगों की जो तनख्वाह जो पगार होती है वो बहुत कम है, इसलिए MBBS डॉक्टर इसमें आना मुश्किल हो जाती है। तो भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के पास औरतों की भलाई के लिए, भिवंडी शहर की भलाई के लिए क्या इस तरह के डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, या जो मौजूद हैं जब भिवंडी शहर में फर्जी डॉक्टर डिलीवरी का काम कराते हैं, पिछले ही महीने का मामला है शांतिनगर का, और वो इंक्वायरी ऊपर से आ गई क्योंकि डिलीवरी के दौरान ही बच्चा मर गया था। तो जब भिवंडी शहर में लोगों को सहूलत नहीं मिलेगी तो इस तरह की दाइयाँ, फर्जी दाइयाँ और कुकुर मुत्तों की तरह से भिवंडी शहर के कोने कोने में बने ये हॉस्पिटल जो सिर्फ़ और सिर्फ सीधर की बात करते हैं और पैसा वसूलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोग्य सेंटर पर अगर डिलीवरी पॉइंट का मामला चालू किया गया तो ये हॉस्पिटल वाले सो जाएंगे, ये सोचकर तो नहीं ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल लोगों का अभियान चालू है, रियाना अंसारी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, उसके बाद फिर वो मैदान में आएंगी, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा वो बाद में देखेंगे, मगर ज़रूरत है। मैं खान फकरेल, आपका धरना आज तो ख़त्म हो गया, उसके बाद आगे की क्या तैयारी है? आगे की हमारी तैयारी है, मैंने मेमोरेंडम में दे दिया है कि अगर तत्कालीन अगर ये लोग चालू नहीं करते हैं तो मेरा ऐसा है कि हम सब लोग फिर चुप बैठने वाले तो नहीं हैं। शुक्रिया।